शिल्पा शेट्टी के पति राजकुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद राजकुंद्रा को लेकर कई सारी खबरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही है और ऐसे में एक बार फिर से शिल्पा शेट्टी और राजकुंद्रा को लेकर खबर सामने आ रही है। जैसा कि आप जानती हैं कि शिल्पा शेट्टी वैसे तो राजकुंद्रा के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि शिल्पा शेट्टी को डर था कि उनका करियर शादी करने के बाद बर्बाद हो जाएगा और उन्हें मौका नहीं मिलेगा आगे फिर से काम करने का। लेकिन राजकुंद्रा के प्यार में फंस चुकी शिल्पा शेट्टी ने राजकुंद्रा से शादी कर ली। अब राजकुंद्रा का सच शादी कितने सालों बाद फिर से सामने आया है और राजकुंद्रा की सारी पोल पट्टी खुलने की वजह से शिल्पा शेट्टी की सिर्फ कंपनीज लॉस में नहीं जा रही, बल्कि यहां पर टीवी पर जो शो करती थी वहां से भी शिल्पा शेट्टी बाहर हो चुकी है। और शिल्पा शेट्टी की जो फिल्म थी हंगामा 2 9 साल बाद वो भी फ्लॉप हो चुकी है, जिसकी वजह राजकुंद्रा को बताया जा रहा है। और ऐसे में शिल्पा शेट्टी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, काफी परेशान हो चुकी है। खबर ये भी सामने आई थी कि शिल्पा शेट्टी के सामने जैसे ही गिरफ्तारी के बाद राजकुंद्रा को क्राइम ब्रांच सामने लेकर आई तो राजकुंद्रा को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा गई थी शिल्पा शेट्टी और चिल्ला पड़ी थी राजकुंद्रा पर कि तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारे परिवार की इज्जत चली गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसे में अब फिर से खबर वायरल हो रही है कि शिल्पा शेट्टी जो अपने करियर के लिए शादी नहीं करना चाहती थी राजकुंद्रा से, तो क्या अब अपने करियर को बचाने के लिए दे देगी राजकुंद्रा को डायवोर्स और हो जाएगी राजकुंद्रा से अलग? क्योंकि यहाँ पर जिस मामले पर राजकुंद्रा फंसा है वो मामला बेहद ही संगीन है, बेहद गंभीर है। और इस मामले की वजह से क्या शिल्पा शेट्टी अपनी राहें कर लेगी राजकुंद्रा से अलग? क्योंकि बीते कई साल पहले राजकुंद्रा और शिल्पा के डायवोर्स के रूमर्स भी आने लग गए थे दोनों के तलाक को लेकर, और एक बार फिर से ये रूमर्स जाग उठे हैं और फिर से इनके तलाक को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही है चर्चा। नेक्स्ट सलाइस रश्मि के बाबू।